पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके अभी से हम गरम तेल में डीप फ्राई कर देंगे। अब हम इसमें मूंगफली भुनने डालेंगे। जब ये थोड़ी सी लाल हो जाती है हम इसे निकाल देंगे। अब हम इसमें थोड़े कॉर्न डालेंगे। अब आप देख रहे हो कि हमने सब डीप फ्राई करने के बाद ऑयल को एकदम कम कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, हरी मिर्च और सरसों के साथ हम कड़ी पत्ता। अब ये लाल हो चुका है, हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और हम लोग इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद लाने के लिए। अब आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट लाल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने फ्राई किया है ताकि ये मसाला अच्छे से मिल जाए। आप देख रहे हो मैंने इसमें पोहा मिला दिया। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला सारे पोहा में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा जैन पोहा बिल्कुल तैयार और इसे हम सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और फिर सभी खाएंगे। हरे कृष्णा।